मोहम्मद आमिर की वर्ल्ड कप 2023 में टीम पाकिस्तान में वापसी को लेकर एमएस धोनी ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आखिरकार मोहम्मद आमिर की वर्ल्ड कप में वापसी को लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने दिया है कौन सा बड़ा बयान, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन और मोहम्मद आमिर को एक खतरनाक गेंदबाज मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वनडे विश्व कप की शुरुआत भारत की मेजबानी में 5 अक्टूबर से होने जा रही है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान के कुछ तेज गेंदबाजों की चोट को लेकर अब समस्या बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान टीम के लिए एक के बाद एक मुश्किलें आती जा रही है। हाल ही में नसीम शाह के चोटिल होने की खबरें सामने आई थी और अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक नसीम शाह पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। नसीम शाह के वर्ल्ड कप से बाहर होने की खबर सुनते ही मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल किए जाने की चर्चा जोरों पर है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद आमिर को अब पाकिस्तानी टीम में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने भी मोहम्मद आमिर को लेकर अपना एक बड़ा बयान दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि टीम पाकिस्तान के पास हमेशा से ही एक से बढ़कर एक बेहतरीन गेंदबाज आए हैं। मोहम्मद आमिर एक बेहतरीन और खतरनाक गेंदबाज हैं। मोहम्मद आमिर ने जिस तरह से पिछला वर्ल्ड कप में गेंदबाजी की थी वह देखने लायक थी। मोहम्मद आमिर इस समय काफी अलग अलग लीग में खेलते हैं। अगर मोहम्मद आमिर को टीम पाकिस्तान से खेलने का बुलावा आए तो मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप 2023 जरूर खेलना चाहिए। मोहम्मद आमिर टीम पाकिस्तान को काफी आगे तक ले जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोहम्मद आमिर ने वनडे क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले लिया है, लेकिन अब उनके संन्यास वापस लेने की भी खबरें हैं। ऐसे में अगर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में शामिल होते हैं तो पाकिस्तान की गेंदबाजी और भी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप भी धोनी के इस बयान से सहमत हैं या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।